दोस्तों आज मैं आपको ls कमांड के बारे में बताऊंगा। ls कमांड हम यूज करते हैं हमारे करंट ड्राइव में फाइल्स और डायरेक्टरी देखने के लिए। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक टर्मिनल विंडो ओपन करें, उसके बाद उसमें ls टाइप करें। ये उसकी आउटपुट है। देखिए हमको केवल लिस्ट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज दिखाई दे रही हैं, उसकी डिटेल वगैरह नहीं दिखा रही। अगर हमें डिटेल देखना है तो हमको कमांड देना है ls-l। अब देखिए ये हमको डिटेल दिखा रहा है। देखिए फर्स्ट करेक्टर डायरेक्टरी, उसके बाद ओनर परमिशन, ग्रुप परमिशन और एवरीवन परमिशन, फिर ओनर, ग्रुप, फाइल साइज, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड देन फाइल और डायरेक्टरी नेम। अगला कमांड ls-a हमको दिखाता है जो भी हमारी डॉट फाइल्स या हिडन फाइल्स हैं। अगला ऑप्शन ls-r, ये हमारी जो फाइल्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में दिखाता है। देखिए फाइल्स V से शुरू हो रही हैं। ये देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है ना। नेक्स्ट कमांड ls-l S, ये हमारी जो भी फाइल्स हैं उनको साइज वाइज रिवर्स ऑर्डर में दिखाता है। देखिए सबसे ऊपर सबसे बड़ी फाइल साइज, उसके बाद उससे छोटी, फिर और छोटी, ls-l S हमको दिखाता है फाइल्स उनके साइज के अकॉर्डिंग रिवर्स ऑर्डर में। अगला ऑप्शन ls-help, यदि हम किसी भी कमांड के बारे में पूरी डिटेल देखना चाहते हैं, उसके सारे पॉसिबल ऑप्शंस, तो हम हाइफन हेल्प के साथ में उसको यूज करते हैं। ये देखिए हमारे ls कमांड के सारे पॉसिबल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से जिस भी ऑप्शन को चाहें ट्राई कर देख सकते हैं। थैंक यू।